नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जिया किचन रसोई में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं चुकंदर के पत्तों की सब्जी। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में दबा दीजिए, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके तक पहुँचते रहें। दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहें, ताकि जो कुछ भी नई जानकारी या ट्रिक्स हम आपको बताएं, उसका आप अपनी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकें। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करें चुकंदर के पत्तों की सब्जी बनाना। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ये हमने चुकंदर के पत्ते ले लिए, इन्हें धोकर हमने रख लिया है। और ये देखिए, इस तरह से होता है चुकंदर। आप हमेशा इस्तेमाल करते हो, सलाद वगैरह में खाते हो। जितना चुकंदर टेस्टी होता है और जितना पौष्टिक होता है, उतने ही उसके पत्ते भी आयरन से भरपूर होते हैं। दोस्तों, हम इन्हें अब एकदम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे, एकदम बारीक काट लेंगे इस तरीके से, चाकू की सहायता से। देखिए दोस्तों, हम चुकंदर के पत्तों को एकदम फाइनली ड्रॉप कर लिया है। और हमने ये ले ली कढ़ाई, उसमें तेल डाल लिया और हमने इसमें जीरा और राई का तड़का लगा दिया है। दोस्तों, जैसे ही हमारा जीरा राई भुन जाता है, डाल देना है एक कटा हुआ प्याज, हमने काट कर पहले से ही रख लिया था। तो दोस्तों, इसमें हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट मिला दिया है। हमें 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली थी और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। और दोस्तों, हमने इसमें 3 हरी मिर्च भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर डाल दिए हैं। आप चाहें अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा और इसे अच्छा भून लीजिएगा। और थोड़ा ध्यान रखें, ये अदरक कढ़ाई के तेल में जल्दी चिपकता है, इसलिए आप चाहे तो फ्लेम को लो करके इसे भूनें। और जब ये अच्छे से भून जाए, सभी सामग्री अदरक लहसुन प्याज मिर्च, तब आप इसमें, अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हमने 1 चम्मच डाल दिया है। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अच्छे से मिला दीजिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मसाला जल रहा है, तो उसे पानी में डाल दीजिए। और दोस्तों, हमने इसमें 1 चम्मच नमक भी डाल दिया है। अब दोस्तों, मसाले को अच्छे से भून लीजिए। और हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, ताकि हमारा मसाला जले नहीं। और इस तरीके से आप मसाले को अच्छे से भून लीजिए। दोस्तों, यदि आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, हमने इसमें जो टमाटर इस्तेमाल किए हैं, ये चेरी टमाटर हैं और ये बहुत ही अच्छे टेस्टी होते हैं। इन टमाटरों को हमने बिना काटे ही मसाले में डाल दिया है। और जैसे ये मसाला भुनता जाएगा, ये टमाटर नरम हो जाएंगे और मसाले में मिल जाएंगे। दोस्तों, हमने ये 1 कप करीब मूंग की दाल भिगा कर रख ली थी और उसे हमने इस सब्जी में डाल दिया है। और कर रखने का जो वीडियो हम बताने वाले थे, वो कारणवश डिलीट हो गया, उसके लिए क्षमा जाएंगे। और हमने ये दाल को इसमें मिला दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे चुकंदर के पत्ते। चुकंदर के पत्तों को भी आप अच्छे से मिला दीजिए। दोस्तों, जिस तरीके से चुकंदर हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, हमारे हीमोग्लोबिन स्तर को बढ़ाती है, उसी तरह हमारे ये चुकंदर के पत्ते भी उतने ही पौष्टिक और ताकतवर हैं। इसमें आयरन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है और इसे खाना चाहिए, क्योंकि ये हर समय तो मिलती नहीं, ये हर सीजन सीजन पर ही पैदा होती है और इन समय ये बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। देखिए दोस्तों, अब हमने इसे 2 से 3 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे पका लिया है और ये हमारी सब्जी तैयार होना शुरू हो रही है। और अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर पकाएँगे। इसे बार बार थोड़ी थोड़ी देर में आप ढक्कन हटा के इस तरह से चलाते रहें, ताकि हमारी सब्जी नीचे चिपके नहीं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके तक पहुँच जाए। और दोस्तों, अब हमने इसमें डाल दिया है पानी, ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाए। जो हमारी मूँग है, मूँग की दाल है, एकदम सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसे रख दिया था पकने के लिए। और देखिए दोस्तों, इतने अच्छे तरीके से ये एकदम सॉफ्ट हो चुकी है हमारी दाल, सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई। और हमने इसमें डाल दिया है हरी धनिया, काट कर रख ली थी, इसे हमने हमारी सब्जी में डाल
डाल दिया है, मुझे शानदार खुशबू आ रही है। देखिए दोस्तों, और आपसे थोड़ी देर पका लें और चादर से ढककर रख दीजिए। दोस्तों ये हमारी चुकंदर की सब्जी बनकर तैयार हो गई है, और हम इसे प्लेट में आपको निकाल कर बताते हैं। यही क्लिप आपको शुरू में हमने दिखाई थी, हम जैसा बनाते हैं वैसे आपको दिखाते भी हैं। देखिए दोस्तों, यही वाली क्लिप हमने आपको शुरू में दिखाई। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे इस तरह के वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।